फाइनली मेरा फ़ोन आ गया है। फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस 4G फ़ोन। अगर मैं कहूँ तो 7000 में इससे ज़्यादा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर ज़रूर कर देना, और आपके भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिया गया है, क्या क्या मिला है इसमें, तो इसको खोल के देखते हैं। ये बॉक्स खुल गया है अभी, तो इसको ओपन करते हैं। और इसका पैकेजिंग भी अच्छी तरह से किया है, पूरा कवर के साथ पैकिंग किया गया है। इसको ओपन कर लेते हैं पहले, तो ये देख सकते हैं आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के फ़ोन। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसको अभी इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, इसको क्या खोलना होगा, तो इसे भी खोल लेते हैं देखते हैं। और तो ये अभी ओपन हो गया है, इसको खोलते हैं। वाह, इसके ऊपर कवर भी लगा हुआ है, पीछे की तरफ से कवर भी लगा हुआ है ताकि कोई स्क्रैच ना आए। तो इसको अभी रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो अब देख सब लोग देख सकते हैं ये चार्जर एडाप्टर दिया गया है, इसको देखते हैं, खोल के देखते हैं। इसको कवर को खोलते हैं पहले, तो देख सकते हैं इसके साथ कवर भी दिया गया है। 2.5 वोल्ट की छोटा है लेकिन अच्छा है। और एक चार्जिंग USB पोर्ट भी दिया गया है इसके साथ, कुछ पेपर भी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर भी यहाँ रख दिया गया है। ये एक है, और ये है इसके डिस्क्रिप्शन जो का फीचर्स के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे। चलिए इसको भी रख देखते हैं साइड में। और इसमें साथ देख सकते हैं आप एक बैक कवर भी दिया गया है, साथ में एक डिस्प्ले की कवर भी दिया गया है ताकि डिस्प्ले में लगाने के बाद इसमें डिस्प्ले में कोई स्क्रैच नहीं आएगा। हल्का सा है, इसको साइड में रख देखते हैं। और कवर भी बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, कवर भी बहुत अच्छा है, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कवर ये। तो इसको भी देखते हैं, अभी इसको ओपन कर लेते हैं और फ़ोन को भी ऑन करते हैं, देखते हैं इसमें अभी। तो चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं पहले, इसको कवर को ऊपर के जो कवर लगा हुआ है इसको भी अभी हटा देते हैं। तो ये हटा देता हूँ, ये अभी फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है, तो इसको ऑन होने देते हैं। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपको ये ऑन होने देते हैं। तो फ़ोन अभी ऑन हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके ईमेल मांग रहा है, तो मैं इसको ऐसे मेरा जो जीमेल आईडी है वो देके इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने ये दे दिया, अभी ये हो रहा है, ऑन हो रहा है। नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये नीचे बहुत ही स्लाइट फ़ोन है, ये चार्जर केबल भी है साइड में, नीचे की तरफ बॉक्स की तरफ दिया गया है। और फिंगरप्रिंट भी है, 3 कैमरा, और इसका जो कैमरा है वो बैक पैनल 13+2 मेगापिक्सल है, और 2 लेंसर के जो डे मोड और नाइट मोड है, और फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल की है। चलिए इसको थोड़ा समय ले रहा है इसको ऑन होने में, बैकअप हो रही है, ये ऑन हो गया अभी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। वाह, टास्क भी कमाल का है, ज़्यादा टास्क नहीं करना पड़ता है, स्लाइटली स्मूथली करने से हो जाता है, अच्छा है, बहुत फास्ट भी है। तो इसको देखते हैं और क्या क्या है, इसके एंड्रॉयड वर्जन क्या कितना कितना है, ये सब देखते हैं। चलिए इसको सेट पहले से इसको सेटिंग में जो है, सेटिंग में जाने के बाद देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये का जो सेटिंग है, सेटिंग में ऑन कर लेता हूँ अभी थोड़ा। और पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा कैमरा की रिव्यू दिखा देता हूँ, कैमरा कैसे दिखने में कैसा है इसका। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी क्लियर आ रही है फ़ोटो, फोटोग्राफी बहुत अच्छा है,
एक फोटो खींच लेता हूँ इसका मैं। इसके ऊपर की तरफ लाइट आ रहा है, लाइट फ्लैश हो रहा है, इसके लिए जो है उसका जो छोटा छोटा अक्षर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो जूम करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप। इसका जो फ़ोटो क्वालिटी है वो लाइटिंग की वजह से नहीं हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और मैं आपको इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा डेली, आपको रोज़ इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट करता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।